कांवरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने कालाबाजारी करने का लगाया आरोप, आंगनबाड़ी के केंद्र संचालिका पर लगाया आरोप। फरीदाबाद में सरकार ने फसल मार्केट की घटाई फीस, आढ़तियों को नहीं होगा कोई नुकसान। गोरखपुर में थाने में बैरक की छत से गिरा सिपाही। प्रतापगढ़ में जश्न की तरह मना राजा भैया का जन्मदिन, समर्थकों ने केक काटकर मनाई खुशियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद बीते सोमवार को गोरखपुर से सुल्तानपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक बस्ती टोल प्लाजा के पास उनके सुरक्षा घेरे के बीच एक कार आ गई, जिससे कैबिनेट मंत्री की कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत बात रही कि हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल इस मामले की जाँच करने के लिए SSP अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, संजय निषाद के बस्ती टोल प्लाजा में संजय निषाद के कार के बीच एक कार आ गई, जिससे उनके कार अनियंत्रित हो जाती है, फिर इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। आपको बताएं कि सोमवार को, यानी कि अगर बात की जाए तो कल संजय निषाद गोरखपुर और सुल्तानपुर के दौरे पर जा रहे थे, जहां बस्ती टोल प्लाजा पर एक SUV गाड़ी उनके काफिले में आके ओवरटेक करती है, और काफिले में टोल बचाने या फिर किसी घटना को अंजाम देने ये साफ नहीं हो पाया है। वो उनकी गाड़ियों की काफिलाओं के बीच में आकर और वो कहीं ना कहीं वो उनको ओवरटेक करते हुए निकलती है, जिसके बाद संजय निषाद के जो ड्राइवर है वो बड़े सूझबूझ के साथ वो गाड़ी को बैरिकेडिंग गिरने से पहले रोक देते हैं। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं एक बैक सडन ब्रेक लगने से संजय निषाद उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, इसमें गाड़ी में सभी बैठे आदमी को हल्की फुल्की झटके आए थे, मगर किसी को चोट नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संजय निषाद का सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सुरक्षा को तोड़ते हुए कोई SUV गाड़ी उनके काफिले के बीच में आता है तो कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े मामलों को जांच की जाए। और CCTV फुटेज को अभी अगर बात करें तो अभी इसकी जानकारी बस्ती पुलिस को गई तो वो CCTV फुटेज को खंगाल रही है, और जो गाड़ी काफिलों के बीच में फ्लीट के बीच में इंटर की है उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। आपको बता दें कि बस्ती टोल प्लाजा से लगभग 10 किलोमीटर पहले SUV कार लगातार ओवरटेक कर रही थी, ऐसा उनके साथ चल रहे लोगों का कहना है। और बात करें तो जब वो टोल टैक्स पे जाते हैं तो टोल टैक्स में उनकी फ्लीट को ब्रेक करके और वो गाड़ी उनके आगे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले भी कुछ हादसे हुए थे, बात की जाए तो ऐसे कई बार उनके फ्लीट में गाड़ियां घुस गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा में लगे कर्मचारी और साथ ही साथ उनके सहयोगियों का कहना है कि निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित आवास प्रदान सदन में उनके समर्थकों ने राजा भैया का जन्मदिन बड़े खास अंदाज में केक काटकर मनाया। समर्थकों में एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई गई। इसके साथ ही इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार पटेल जी के जन्मदिन को भी मनाया गया।
अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के गोपालपुर आंगनबाड़ी केंद्र में कालाबाजारी मामला सामने आया है। बता दें कि ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका शकुंतला देवी और पूर्व प्रधान के ऊपर पौष्टिक आहार की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी शिकायत लेके आए थे जिलाधिकारी साहब के पास, उन्होंने कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। क्या मामला क्या है? मामला वो राशन जो आता है, तीन चार लोग हैं। पहले तो मैन तो ग्राम प्रधान है अनीता देवी, वाइफ ऑफ श्रीपाल सिंह जो पूर्व प्रधान है, वो क्या करते हैं माल को लिया और आपस में बांट के खा लिया और जो उसका पूरी धन आती है उनको जला दिया जाता है। कुल कितने वहाँ पर मेम्बर हैं? 120 लाभार्थी हैं। कितने लोगों को दे देते हैं या कितने लोगों को नहीं देते? 25 लोग किसी चार्ज के साइन करा लिए थे, कहते थे तेरा तो आया ही नहीं है, चल पाएगा। आंगनबाड़ी में जो बच्चों को राशन वितरण होता है वो हमारे गांव में नहीं बट रहा है 2 महीने से, और 6 महीने से जो चावल आते हैं गेहूँ चावल बच्चों के लिए वो भी नहीं बट रहा है। कारण क्या है बटने का यह है, यहाँ में 4-5 लोग ग्राम प्रधान और कुछ उसके साथ ही उसको बांटने नहीं दे रहे हैं। क्यों राशन जो वहाँ से आ नहीं रहा है, क्या मामला आ रहा है सर? ब्लैक कर रहे हैं और वो कहते हैं एक गाँव वालों ने 8-10 लोगों ने ट्री में सामान ले आ रहे थे बेचने के लिए, वो माल पकड़ के स्कूल में लाए थे और बंद करवा दिया है आंगनबाड़ी का। फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव दाऊदपुर पूर्वी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए और पथराव के बाद फायरिंग भी की गई, जिसमें दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को SC मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच कर रही है। हम चाचा खड़े थे, एक आपसी मतलब विवाद था, बंटवारा मतलब पहला था खेत वाला। किससे विवाद था? अपोजिट पार्टी थी। कहाँ के हैं वो लोग? गांव की है। अच्छा। वहीं पे खड़े थे तो वो उनका मतलब पूरा प्लान था मतलब हमला करने का। हम थे 4 लोग, वो थे 25-30 लोग। इतने में वो आए, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, लाठी डंडा कट्टा और छरिया फावड़ा। कब की घटना है? आज सुबह। मैनपुरी में थाना बिछुआ के GT रोड पर थाना अध्यक्ष सर्विस लांस के निर्देशन में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के ऊपर कुरवाली की तरफ से एक बाइक सवार युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस कर्मचारी बाल बाल बचे, जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया युवक 25,000 का इनामिया भी है और कई उस पे मुकदमे भी दर्ज हैं। निवासी एहसान, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, शातिर अपराधी जिसके ऊपर विभिन्न जनपदों में अलीगढ़, बुलंदशहर, मैनपुरी आदि में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे इसके विरुद्ध कायम है। ये जनपद में 2 लूटों सहित 4 मुकदमों में वांछित चला आ रहा था। आज बिछुआ पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुआ है, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके एक साथी फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। इसके पास से अपाचे मोटरसाइकिल, तमंचा और लूट का सामान बरामद हुआ है। इसकी अन्य गतिविधियों की जानकारी की जा रही है। देवरिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बता दें मैराथन दौड़ को क्षेत्राधिकारी नगर नहरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रतियोगिता में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल, आरक्षी गढ़ के साथ फ्लैग मार्च निकालकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की गई। गोरखपुर के राजघाट थाने पर तैनात एक सिपाही की बैरक की छत से गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें थाने में इस घटना से हड़कंप मच गया। साथी पुलिसकर्मी ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वह 2021 बैच के कांस्टेबल थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थी।
लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आपको बता दें कि सपा से विनय तिवारी और बीजेपी से अमन गिरी से सीधी टक्कर है। वहीं भाजपा की प्रतिष्ठा इस विधानसभा सीट को लेकर दांव पर लगी है, जिसके चलते भाजपा ने अपनी पूरी ताकत गोला विधानसभा सीट पर झोंक दी है। सरकार ने फसल पर मार्केट फीस को 80 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। 30 रुपए प्रति क्विंटल घटाने से अब राजस्व में कमी आएगी। वहीं आढ़तियों का कहना है कि सरकार दिल्ली की तर्ज पर 1% मार्केट फीस का प्रावधान करे, ताकि यहां के किसान अपनी फसल बेचने दिल्ली ना जाएं। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना था कि इस घटाई गई फीस का आढ़तियों पर कोई असर नहीं होने वाला और ना ही उन्हें कोई नुकसान होगा, जबकि इसका सीधा फायदा खरीदार को मिलेगा। लेकिन ये 80 रुपये क्विंटल कहना भी उचित नहीं है। ये पहले 2% मार्केट फीस होती थी, अब सरकार ने उसको कम कर दिया है कि जो भी धान 2,500 रुपये क्विंटल से नीचे बिकेगा उसको 50 रुपये प्रति क्विंटल एक मुश्त दर से मार्केट फीस पे करनी पड़ेगी, उसके ऊपर वही 2% रहेगी। तो जो 2,500 से कम वाला है उसके कारण ये मार्केट फीस में कमी आई है, मार्केट कमेटी की आमदनी में भी कमी हुई है और इसका फ़ायदा खरीदार को मिलेगा। जी सरकार ने जो मार्केट फीस 80 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, तो आपको कितना इसमें फ़ायदा रखना मिलेगा? नहीं देखिए, इस चीज़ से किसान को ही फ़ायदा होगा, व्यापारी को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। या तो मिल वाले को फ़ायदा होगा जो धान खरीदता है तो उससे क्या होगा, लेकिन हमें ये फ़ायदा होगा कि मंडियों में जैसे दिल्ली की तर्ज पर हमने तो सरकार से मांग की थी कि मार्केट फीस को दिल्ली की तर्ज पर किया जाए, कम किया जाए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।